और ये देखिए मेरे आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा, मेरा टिंकी प्यारा, कॉलेज जाने के लिए हो गया तैयार। बताओ कॉलेज जाने के लिए कहाँ में ब्लॉग कर दो, ब्लॉग का कितना पैसा है क्या है बता? सुबह उठो ब्लॉग, थोड़ा मोबाइल ले आओ, सबके आगे पैसे कमाओ। पता है कितनी मेहनत का काम है। चल ठीक है, बहुत इजी है, नो टेंशन, बहुत इजी है। ले लवी लवी लवी, इट इज वेरी इजी ना। ले कैमरा पकड़, स्टार्ट ब्लॉगिंग। मेरा तो टाइम हो गया है। एडिट ब्रो, लवी कहा मैं तेरा ब्लॉग बना रही हूँ। सो लवी हो गया कॉलेज के लिए तैयार, और कहा मुझे बनाना चाहिए था। सो लवी हो गया है जॉब पे जाने के लिए तैयार, और आज आई है कहा मैं सुन लवी लाएगी क्या सुन कहा मैं ब्लॉग डाल कहा मुझे ब्लॉग डालना चाहिए था कि आई आज आई लवी की पहली सैलरी। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ तेरे को सुन कुछ नहीं बोल रहा मेरी बात सुन। अरे नहीं सुन ना, कहा मुझे ब्लॉग डालना चाहिए था। आज आई लवी की पहली सैलरी घर, हमारे लिए क्या लाया गिफ्ट, लेकिन मैं डालूंगी आज आया लवी का रिजल्ट, हुआ दो सब्जेक्ट में फेल। मैं कूद जाऊंगा। ये देख लो बैग लेके पागल मजाक कर रही हूँ। अच्छी चीज है पता है, तू आगे फर्दर पढ़ाई कर रहा है ताकि तेरे को और अच्छी नौकरी मिले, तू और अच्छा नौकर बने। तू मेरी तरह बिजनेसमैन तो नहीं बन पाएगा ब्रो। देखो एक घर में एक बिजनेसमैन तो होना चाहिए, तुझको पता है लवी। मैंने ठान लिया कि मैं कभी नौकर नहीं बनूंगी, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं कभी नौकर नहीं बनूंगी। सही में मैं नौकर बन के नौकरी करके आ गई। कुछ कर लेती घर में, क्या करूँ बता, आप मेरे को ही करना है सब। ये देखिए हमारे घर के सामने की खूबसूरत वादी पहाड़ी, कितना सुंदर। और कल गाइज मैंने पहली बार लाइफ में देखा, मेरा हाथ जहाँ फिंगर पॉइंट हो रहा है यहाँ पे कुछ लाइट जलती है। अभी दिख तो नहीं रहा होगा ऊपर ना वो, अरे दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है भाई, बहुत क्लियर है गाइज। ये दिख रहा है आपको सामने मेरे फिंगर पे, देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये घर है गाइज घर, ये वाइट वाइट घर है। तो रात को क्या होता है ना, रात को चमकता है पूरा लाइट, ठीक है। तो यहाँ तो हमेशा चमकता था, लेकिन कल फॉर दी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे वहाँ भी लाइट जलती हुई दिखी और मज़ा आ गया देख के। तो ये देखिए क्या बात है यार, यहाँ से घर दिख रहा है इतना दूर, नाइस। तो ये देखिए गोली को खाना दे रही थी मैं, ये भी अंदर आ गया था। लो खाओ, दोनों खाओ साथ में, दद्दा के साथ खाओ। जाओ गोली उसको भी खाने दो, थोड़ा उसको भी खाने दो, हाँ खाओ दोनों खाओ मिलके खाओ। वेरी गुड गोली, कितना सुंदर है ना, दद्दा को भी खाने दे रहे हैं ना साथ में, छोटे दद्दा को। गोली गोला डरा क्यों रहा है बाबू उसको, नहीं गोला गोली ओई जा गोली, इतनी पिट्टी बाबू, इतनी पिट्टी बाबू ओई जा, वो डर भी रहा है गोली से। गोली थोड़ा हमारा लिहाज, ये गोली क्यों उसकी कनपट्टी बजा रहा है बाबू, क्यों बजा रहा है उसकी कनपट्टी। गोली उसको चैटे पे चैटे ही मार रहा है। सो दोस्तों मैं हो गई हूँ डांस क्लास जाने के लिए तैयार, और आजकल थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ मैं डांस क्लास, बिकॉज टाइमिंग चेंज हुई है। एंड आजकल जिम नहीं जा रही बिकॉज मनसा नहीं कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो बट आई कंटिन्यू द जिम अगेन। मैं पहुँच गई हूँ डांस क्लास और अभी तक कोई भी नहीं आया, आई एम 5 मिनट्स अर्ली। मेरे बाल कैसे हो रखे आज धोने के बाद, ऊपर को करो, बहुत बढ़िया जय श्री राम, बहुत बढ़िया। ये देखो क्या बात, so, दोस्तों आज मैडम को आने में थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे सीनियर हूँ और थोड़ा सा ठीक डांस करती हूँ, ज्यादा नहीं है, मुझसे भी अच्छा करते हैं लोग, तो मैं इन लोगों को सिखा रही थी। और अभी हम आप बोलो मैं कैसा करती हूँ, कैसा सिखा रही हूँ, अब पता लग रहा है मैम मेरे को आके मार रही है, मेरी नौकरी खा रही है। नहीं तो मैं एक बार इनको सिखा रही, तो आप देखना मैं कैसा सिखा रही, ठीक है। तो चलो ऐसे ना, ये कमर में हाथ, चुनरी बुनरी, तो जैसे हम लोग जेठ जेठाने में आगे पर्दा करते हैं, पर्दा कर लो, 1 2 1 आगे गए, ये पाँव पीछे और चुनरी खोलो, ठीक है, 1 2 1 2 रामचंद्र चकोरी सिया, यहाँ पे आए थे ना, ऐसे आए थे ना, यहाँ से ऐसे अपना ये मुंह ऐसे कर, ऐसे हम नहीं करते, कितनी सुंदर लग रही हूँ मेरी, हाँ ऐसे, और ये हाथ ऐसे, चकोरी सिया जमाई राज, उधर ही जमाई, पहले हम जमाई राज ऐसे कर देते ना, अभी नहीं, क्योंकि अभी इधर ही हमारा मुंह था,
जमाई राजा राम मिला। चलो 200 रुपए फीस। गूगल पे अकाउंट नंबर भेज दिया है। सस्ती टीचर। चलिए आइए एक बार मैं कल्पना डांस क्लासेस का पर्सनल रिव्यू लूंगी। आज कैसा लगा? बहुत अच्छा सिखाया है इसने, बहुत पेशेंस के साथ सिखाया लोगों को, है ना? तो होपफुली सबको आ गया है। अब जिन्होंने सीखा उनसे पूछते एक बार, ये सबसे तारीफ ये कर रही थी मैं, कैसा लगा आप प्लीज रिव्यू दीजिए। सही में वेलकम। हाँ मैम बताइए। अच्छा लगा। हाँ आपने जो सिखाया सारे स्टेप आ गए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बताइए। बहुत अच्छा सिखाया कल्पना ने। मेन तो एक इनकी फीस भी। चलो अब आप लोगों के लिए 150। हाँ और मैं बेसिकली इनकी नौकरी खाने वाली हूँ। मात्र 150 रुपए। आप 150 रुपए में कल्पना क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मैडम। हाँ और कम कर देना, मैंने तुमने की तारीफ करी। तो बेसिकली मैम ने सारा क्रेडिट मैम को जाता है। मैम ने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैंने आप लोगों को सिखाया, है कि नहीं? हाँ मैम क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ 25% का डिस्काउंट चल रहा है। नहीं नहीं अब मैं खुद ही 20 रुपए पर क्लास। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी। 20 रुपए। ये सब बिगाड़ रहे हैं यार हमको, ये आप लोग हमारी आदत बिगाड़ रहे हो यार। ऐसे रोज रोज कभी बर्थडे केक कभी मिठाई, सारा किया। खाओ 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 आप खाओ 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 खाओ। और दोस्तों ये देखिए क्या बात है, वासु की क्रिएटिविटी। अरे भाई 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 वासु बहुत सुंदर यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। क्या इसे क्या होगा? हट हट, बहुत सुंदर है वासा, वेरी गुड, मजा आ गया देख के, नाइस। और काइंड इन्फॉर्मेशन, कलरफुल लाके वो भी कर सकते। अच्छा नाइस, ये देखिए गाइस वासुस क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। ये देखिए दोस्तों मैं घर आई और मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि आज मंचूरियन बन रहा है। तो हमारा बहुत टाइम से प्लान था, तो इन्होंने पत्ता गोभी कस दी है, ठीक है बनाऊंगी मैं ही। तो यहाँ पे पत्ता गोभी कस दी गई है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ इसकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। और अब हर्षित प्याज काट रहा है, उसके लिए थोड़ा बैटर में प्याज डलेगा। और वो देखिए वो हर बार की तरह, हर बार की तरह इसका है कि ये सिर्फ देखता है और खाता है। ये होता है घर में सबसे छोटा होने का फायदा। लवी लवी काश मैं तेरी उम्र की होती, को बोला आज मुझे इतना रिग्रेट हो जा रहा है, मैं सबसे बड़ी हो गई, मैं तेरी उम्र की होती ना, अभी मैं सिर्फ 22 साल की होती। लवी मैं करता रहा हूं, मैं तेरे से भी मजे कर रहा हूं। मुझे आई फील सो ओल्ड इन फ्रंट ऑफ यू, तेरे को पता है जो मजे तू नहीं कर पाई, मैं कर रहा हूं ना, तू जा चाउमीन लाऊंगी लवी। ओके तो चलिए दोस्तों मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए माय किचन इज जस्ट अ मेस राइट नाउ बिकॉज़ आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मंचूरियन। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मेरी तैयारी हो चुकी है। सो आज तक मैं बस पत्ता गोभी मंचूरियन बनाती थी, लेकिन आज मैं वेजिटेबल मंचूरियन बना रही हूँ प्रॉपर, जिसमें पनीर वनीर सब जाएगा। सो ये पत्ता गोभी कस गई है, इसमें डालेंगे हम प्याज और साथ साथ इसमें करेंगे हम लोग पनीर को मैश। सो ये देखिए पनीर मैंने ग्रेट कर दिया है, अब एक और पनीर का पैकेट मंगा लिया मैंने बिकॉज ये कम पड़ेगा। और हर्षित कह रहा था कि थोड़ा चिली पनीर भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा चिली पनीर के लिए निकाल देते हैं साइड में, क्योंकि मुझे पनीर पर्सनली उतना पसंद नहीं है, मैं कच्चा खा लेती हूँ, पर मुझे चिली पनीर ग्रेवी वाले पनीर में ज़्यादा पसंद नहीं आता, ग्रेवी अच्छी लगती है। तो इस पनीर को भी हम कर देंगे मैश। बाप रे मुझे लग रहा था पनीर तो ईजी होगा हाथ से, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, देखो कितना टाइट हो रखा है ये। ये बाहर के पनीर ना सब वो होते हैं क्या, मिलावटी वाले, वरना अगर पनीर तो ऐसे हाथ से टूट जाना चाहिए ना। वो बर्तन ना छोटा पड़ गया था, तो मुझे ना ये परात करनी पड़ी। प्याज ये अब इस सबको करेंगे हम अच्छी से मिक्स मिक्स मिक्स। सो ये देखिए बैटर मेरा बन के तैयार हो गया है, और ऐसे करके मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाना मैंने शुरू कर दिए, ठीक है। पनीर की वजह से क्या बढ़िया इसमें व्हाइट कलर आया है। और आज हर्षित जी अपने लिए चिली पनीर बनाने वाले हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। खाने में ध्यान है, एक्सरसाइज करके पतला मत हो ना।
सो ये देखिए गाइज, मंचूरियन बॉल्स मेरी ऐसे बन के फ्राई हो रही हैं और कुछ घाट निकल गया है. एंड सी हाउ गॉर्जियस दिस बॉल लुक्स. आज वाकई में बहुत अच्छी बनी है. सी आज मतलब बढ़िया हो गई है, मतलब बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी और फ्लफी अच्छे बने हैं. मतलब नाइस, आई लाइक इट, काफ़ी अच्छे बने आज. और ये पत्ता गोभी का पानी बचा था, इसी पानी को हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे. और हम लोग नूडल्स पैक करा के ले आए थे, तो ये रहा हमारा नूडल्स. नूडल्स अभी पैक ही है, इनको भी गर्म करना पड़ेगा लोहे की कढ़ाई में. सो नूडल्स ऐसे पड़े हैं. हमारा प्याज और शिमला मिर्ची है. एंड ये रहा मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट. तो ये देखिए प्याज मिर्ची और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल दिया है. अब इसको करेंगे सॉटे थोड़ी देर के लिए. सो ये देखिए नूडल्स हमारी गर्म हो गई हैं, ये थोड़ी बॉल्स तैयार हो रही हैं, साथ साथ मेरा ये मसाला रेडी हो गया है. कितना टेस्टी लग रहा है ना गाइस. टांटना गॉर्जियस गॉर्जियस मंचूरियन है. टेस्ट कैसा नमक? ठीक है चलो, हर्षित ने नमक टेस्ट करके इसको गो अहेड दे दिया है. और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है. आज मैंने कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं किया है. मतलब लास्ट टाइम मैं मंचूरियन की ग्रेवी का पैकेट लेके आती थी नॉर का 50 रुपये वाला, तो उसमें मैं कुछ नहीं डालती थी. उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर सब होता है, सिर्फ पानी डाल दिया. लेकिन आज मैंने पूरा स्क्रैच से किया है. मतलब ये देखिए, ये रहे मेरे सारे सॉसेस और मैंने खुद सारे सॉसेस डाल के पूरा ग्रेवी तैयार करी है. तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है. मैंने नॉर का भी खाया ना, मुझे ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा. यम 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 यम. और पकने दे. चलो ये देखिए यहाँ पे भाई बहनों की जोड़ी. आज मम्मी पापा को हमने दिया है रेस्ट. पापा तो रेस्ट में रहते हैं, आज मम्मी को दिया है हमने रेस्ट और हम दोनों मिलके कर रहे हैं आज पापा मम्मी की सेवा. सो ये देखिए ये रहा मेरा मंचूरियन और नूडल्स और ये पनीर हर्षित ने बनाया थोड़ा सा फ्राई करके. और ये रही मम्मी. मम्मी रिव्यू देना चाहेंगे आप दोस्तों को, मंचूरियन हो कैसा रहा है? आज तो सॉफ्ट बना होगा क्योंकि ज़्यादा देर ग्रेवी में रहेगी. और मैंने आपके लिए ग्रेवी बनाई है, ले लेना, अभी ड्राई भी आएगा. तेरे बाजार से अच्छी है? मार्केट से अच्छी है? पापा एक बार मंचूरियन टेस्ट करके बताओ कैसा है. बाजार का अच्छा नहीं लगता है. ये रेडी स्लोली एंजॉय. आइए लवी से पूछते हैं कि ये मंचूरियन बाजार जैसा हो रहा है या बाजार से कम टेस्टी हो रहा है, बाजार से ज्यादा. सही से रिव्यू देना. बाजार की तरह हो रहा है. क्या बात है. अभी तेरे को पता है तुम लोगों ने ना आने में बहुत लेट कर दिया, वो ग्रेवी में बहुत देर डूब गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया. अभी मैं ड्राई बना रही हूँ. ये मैंने ग्रेवी वाला बनाया था गाइस, अब मैं इसके बाद ड्राई बनाऊंगी. ये ग्रेवी भी लो मम्मी, मैंने आपके लिए ग्रेवी करी है. कहीं कहीं से भी अच्छा लग रहा है, दुकानों से भी. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई बना रही हूँ. ये देखिए बिल्कुल मास्टर शेफ कल्पना किया हुआ है. अब इसमें जाएंगे मंचूरियन, इसमें गए मंचूरियन और ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई खाएंगे हम लोग. बहुत सुंदर, डाल दो साई डाल दो भाई, बहुत बढ़िया. क्या बात है, वाह थैंक्स. ठीक पता है दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं आज. नहीं क्या बात है, ये देखिए गाइस बिल्कुल बाजार स्टाइल जैसे हो रखे हैं यार ये तो. नहीं कॉमेंट्स करके बताना कितना अच्छा हो रहा है ना. नाइस, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं तो ड्राई ड्राई. आपको पता है मैंने सेम ऐसे बनाना चाहती थी, जिसमें थोड़ा बहुत ये रेस्टोरेंट में ऐसे होता है ना, ये सब्जी होती है ऐसे प्याज शिमला मिर्ची की और साथ में मंचूरियन. क्या बात है, अब इसका रिव्यू लूँगी मैं आज सबसे. अब ये अच्छा लग रहा है मेरे को. और मुझे पर्सनली ड्राई पसंद है ज़्यादा ग्रेवी से, आई लव ड्राई. तो चलिए एक बार मम्मी से हम लोग ड्राई मंचूरियन का रिव्यू लेंगे. मम्मी ये ड्राई है, इसको टेस्ट करके बताओ ज़्यादा कैसा हो रहा है. वो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था क्योंकि वो ग्रेवी वाले थे ना. ये कैसे हो रहा है? सॉफ्ट तो सारे हो रहे हैं लेकिन ये थोड़ा ड्राई है, इसमें अंतर लगेगा आपको टेस्ट. ये कैसा हो रहा है? वो जलेगा तो नहीं जलेगा, आराम से खाओ. कैसा हो रहा है? ये ज़्यादा अच्छा है पहले वाला? ये वाला, ये लव इज टू टेस्ट करेगा ड्राई को. और ग्रेवी बनाए खाना खा लेगा. ये बताना पहले ये ज़्यादा अच्छा है पहले है? ये अच्छा हो रहा है ना? और बाजार कैसा हो रहा है? रिया पैलेस या उससे बेटर या उससे ज्यादा या उससे अच्छा हो रहा है? सही में चलो खाए. हर्षित तू भी बता, खा ले. हर्षित देगा असली रिव्यू क्योंकि हर्षित ने किया है होटल मैनेजमेंट. ड्राई खाया तूने? कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है. हाँ ग्रेवी से अच्छा हो रहा है और बहुत अलग टेस्ट होगा. मैं टेस्ट करती हूँ यार, मेरे को भी टेस्ट कर. आज इसमें पनीर डाला है, प्याज डाला है और मैदा वैदा कम डाला है, इसलिए सॉफ्ट हो रखे ना बहुत ज्यादा. अरे भाई यार बहुत सही बनाए.